हरे कृष्णा। तो आज हम मिलेंगे भक्त से। तो प्रभु जी का नाम मोहित कुमार शर्मा है। प्रभु जी ऐसे सुरसवा नगर बरेली में रहते हैं और प्रभु जी ऐसे एजुकेट बहुत सारा ऐसे प्राप्त किए हैं और प्रभु जी मार्केटिंग करते हैं सेल्स में। और हम इनसे जानेंगे किस प्रकार से भगवान और भगवान के संपर्क में आए और कैसे भगवान का नाम जप करते हैं और क्या रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है नहीं। तो मतलब कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी देखिए भगवान का कृष्ण भक्त किस प्रकार से प्रचार करते हैं और खुद 16 माला भी जप करते हैं। हम देखेंगे कि इनके बारे में हम विचार करना चाहेंगे कि किस प्रकार से भगवान के संपर्क में आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कब से आप इस्कॉन से संपर्क में आए हैं? मेरे को प्रभु जी एक साल हो गया इस्कॉन में आए हुए। इनके संपर्क में आए? मैं प्रभु जी एक आयुष प्रभु हैं उनके द्वारा यहाँ इस्कॉन में आया था, जो कि हमारा जन्माष्टमी का फेस्ट था जब आपका, तब उन्होंने मेरे को एक मैसेज डाला था कि ऐसे ऐसे इस्कॉन मंदिर है और वहाँ आइए। तब मैं मंदिर में आया था प्रभु जी फर्स्ट टाइम। मंदिर तो मैं पहले भी आ चुका था। जन्माष्टमी फेस्ट वाला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी। बहुत इतना पब्लिकेशन आए थे पॉपुलेशन उस समय तो शायद 2 से 2.5-3 हज़ार आया होगा यहाँ पे अप्रॉक्स उपस्थिति। ऐसे तो दिन भर चलता रहता है। यस 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 प्रभु जी। तो वहाँ पे आपको क्या लगा अच्छा? मेरे को प्रभु जी मतलब हर चीज़ अच्छा लगा, मतलब भगवान का भोग 56 भोग लगाने का तरीका, कार्यक्रम यहाँ का संस्कृत कार्यक्रम और भगवान की कथा उन्होंने जब प्रभु जी ने बताया तो मेरे को एकदम अट्रैक्शन हुआ कि भगवान से कल्चर को लेके आपको ना वेदी कल्चर इस प्रकार से आप जानते होंगे कि फॉलो करते हैं। माता लोग को साड़ी पहनना, गोफी ड्रेस पहनना, तिलक लगाना, भगवान का नाम जप करना, यस, और 56 भोग लगाना, एक वेदी कल्चर के अनुसार भगवान को पंचरात्र विधि से पूजा करना, ठीक है नहीं। तो मतलब कि आपको ये पद्धति को देखकर आपको बहुत आकर्षित हुआ कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सी जगह, बहुत सी भौतिक मंदिरों में, कई मंदिरों में जाता हूँ तो वहाँ पे क्या है प्रभु जी, जैसे कि मैं किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पे वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंट है प्रभु जी। सपोर्ट जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने देखा यहाँ की शुद्धता, यहाँ की पवित्रता, यहाँ का नाम जप, सब यहाँ के प्रभु लोग हैं बताते हैं कि हमारे प्रभु जी जो हैं अल्टर में जाते हैं तो स्नान करे वगैरह नहीं जाते हैं, जबकि हमारे पड़ोस के ही मंदिर के प्रभु जी लोग वगैरह या भी जो भी पंडित वगैरह होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उन्हें कोई साफ़ सफाई से मतलब नहीं होती। इवन ड्रिंक करे हुए तक मैंने एक मंदिर में, अपने पड़ोस के मंदिर में गया तो वहाँ पर ड्रिंक करा हुआ बंदा मेरे सामने रामायण पढ़ रहा था, बट यहाँ की शुद्धता देखे, साफ़ सफाई देखे, यहाँ का आचरण देखे मैं इस्कॉन से जुड़ गया प्रभु। ओके। तो प्रभु जी के कहने का उद्देश्य ये है कि इस्कॉन एक जो संस्था जो वैदिक कल्चर को, धर्म को, जो चार जो पद्धति जो नशा के लिए मना किया गया है इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। यस यस। मतलब कि इसको छोड़ रहे हैं। मतलब कि प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि चार नियम में जैसे कि नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अभय संबंध नहीं करना है, हाँ, और चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना है, है कि नहीं, और जो अभी नहीं खेलना है। तो चार नियम जो है प्रभु जी, जैसे कि अपना सबसे पहला है नशा नहीं करना है। तो मतलब इस्कॉन में जो मैं पहली बार आया तो मुझे बताया गया था, मैंने सबसे पहले प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी सबसे पहला नियम इस्कॉन में जुड़ने का क्या है? तो उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बताया, ऐसा कोई कठिन परिश्रम नहीं बताया कि आपको ये करना है, ये माला पढ़ना है, ये मतलब इस तरह का मंत्र जाप करना है जैसे और लोग करते हैं कि आपको शनिदान करना है, इस टाइप का कुछ नहीं। उन्होंने केवल चार नियम बताए थे मेरे को, जिसमें सबसे पहला नियम था प्रभु जी नशा नहीं करना, नशा किसी भी पदार्थ का नहीं करना है। जैसे कि सपोज़ दैट लोग कहते हैं चाय क्यों मना कर देते हैं, चाय में जैसे कि निकोटीन पाया जाता है जो एक नशीला पदार्थ होता है, तो इस्कॉन ने चाय से लेके हर चीज़ को मना किया, जो नशा नहीं करना है तो नहीं करना है, ये मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे। दूसरा उन्होंने अवैध संबंध सपोज़ दैट प्रभु जी क्या जानते ही आप, अवैध संबंध किसी परा स्त्री के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखना, ये कल्चर, ये बात मेरे को बहुत ही एकदम हार्ट मतलब दिल पे फील हुई, तब मैं यहाँ से एकदम और जुड़ा हुआ। फिर तीसरा प्रभु जी बताया किसी तरह का जुआ नहीं खेलना है, जुए में आपको आज की देख ही रहे हैं बहुत ही उसमें कि दिवाली होता है या फेस्टिवल हमारा होता है हिंदू धर्म में क्या होता है, जुआ सट्टेबाजी होती है, सटोरी होती है, इस टाइप से। जैसे कि मैं भी IPL से बहुत कनेक्टेड होता था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने सोचा बहुत कई बार हो सकता मैं भी लॉस में गया या कई मेरे बहुत से दोस्त लॉस में भी जाते हैं, बट क्या यहाँ पे आके मैंने इस चीज़ को, मैंने कहा ये चीज़ भी मेरा एक जीवन बदल देगा अगर मैं यहाँ पे आ गया, इस चीज़ को अगर मैं फॉलो कर देता हूँ।
ठीक है। तीसरा नॉन वेज तो मैं मीट वगैरह ये किस टाइप का, इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। जो प्याज लहसुन तो प्रभु जी मांस तो मैं पहले से ही नहीं खाता था, बट प्याज लहसुन मैंने आके इस्कॉन से ही छुका। ऐसे सार्थक माना जाता है प्याज लहसुन को, जैसे कि प्रभु जी ने बताई चार नियम का, जो बहुत सुंदर भाव से विवरण किए हैं। और जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने इस प्रकार से भगवान का नाम 16 माला 2 घंटा जप करना, और प्रभु जी ऐसे मंगला आरती भी आते हैं, ठीक है। कई बार मैंने देखा हूँ कि यहाँ पे 3:30-4 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है नहीं। और फिर भी आपके इसको कैसे मैनेज करें, अपना जॉब भी है, हाउ टू मैनेजमेंट, कि परिवार को कैसे आप देते हैं मतलब कि समय, और फिर भगवान के संपर्क में थोड़ा सा। लोग आजकल यही बताते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो फिर क्या हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे पालन करेंगे। कई सारे लोगों का इस पर कैसे डाउट है, आप क्या बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे को भक्ति करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, हम पे टाइम नहीं है। जैसे कि मैं था, मैंने अपने पहले दिनचर्या को बदला। सपोज दैट इस्कॉन से पहले मैं रात के 12-12, 1-1 बजे सोता था, ठीक है प्रभु जी, तो 1 बजे सोता था, और मॉर्निंग में 8:30-8:30 बजे ऑफिस जाने के टाइम तक ही उठता था। बस मेरा क्या था, फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद सीधे हल्का सा नाश्ता किया और मैं ऑफिस के लिए अपने काम के लिए निकल गया। तो मैंने जब इस्कॉन ज्वाइन किया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को समझा, धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन कैसे किया प्रभु जी, मैंने अपने परिवार को जो टाइम देता था वो टाइम परिवार को कंटिन्यू देता रहा। वो कैसे देता रहा प्रभु जी, मैंने सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया। मेरा परिवार सो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 3:30 बजे उठा, फ्रेश हुआ और मंगला आरती के लिए कई बार, जैसे कि आप बताते, जब भी मैं मतलब समय मिलता है वरना मंगला आरती के लिए यहाँ आ जाता, वरना अपने घर पर ही मंगला आरती और माला जप करने लगा। जिससे क्या हुआ, मेरे परिवार को मेरे इस टाइम से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी भी परिवार में दिक्कत जब होगी, जब आप उनका टाइम ख़राब करेंगे या उनके दिए हुए टाइम पे आप उनका काम नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि और इस्कॉन में आके मैं परिवार को और ज़्यादा अच्छे से टाइम देने लगा। जैसे सपोज दैट इस्कॉन में आने के बाद मेरा ब्रेन, मतलब मैं टारगेट वेस्ट कंपनी है मेरी, ठीक है, तो टारगेट हर समय रहता था, बट क्या है 16 माला जब से मेरा ब्रेन जो है बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल एकदम फोकस बना रहता है, तो मेरा जो भी डिप्रेशन था वो ख़त्म हो गया। जब डिप्रेशन ख़त्म हो गया तो मैं परिवार को प्यार से बात करने लगा, प्यार से समझने लगा, हर अपने बेटी बच्चों को सभी को सही से टाइम देने लगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। टाइम निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किस टाइम पे क्या कर रहे थे और उसमें से हम कितना टाइम किस के लिए बर्बाद कर रहे हैं। सपोज दैट मैं रात के 12-1 बजे तक शॉर्ट वीडियो देखता रहता था, वीडियो। उस चीज़ को मैंने बंद कर दिया। मैंने क्या किया, शाम को गीता क्लास लेना शुरू कर दिया, 8-9 जो कि हमारा गीता क्लास चलता है, 8:30-8:30 बजे मेरा मार्केट क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद 8 बजे मैंने गीता क्लास लेना शुरू कर दिया। 9 बजे बाद मैंने अपना परिवार के साथ 1 घंटा दिया, तब तक परिवार सो गए। फिर 10 से लेकर 11 बजे तक मैंने प्रभु जी यहाँ की रीडिंग करना शुरू किया, किताबों को पढ़ना शुरू किया, शास्त्रों को पढ़ा, भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर दिया प्रभु जी। जैसे हमारे प्रभुआ जी की किताब कृष्ण की और कई किताबों को ऐसे धीरे धीरे इसने पढ़ने का अभ्यास करना शुरू किया और धार्मिक चीज़ों को सुनना शुरू किया प्रभु जी। सबसे पहले पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ सुनना, जिससे आपको बहुत ही आगे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसे कहा जाता है कि श्रवण करने से ही स्मरण आता है। यस 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 प्रभु जी, ठीक है, श्रवण करने से ही स्मरण आता है, क्योंकि सुनना, पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ सुनना, इन दोनों चीज़ों का अगर आप माइंड सेट करेंगे तो आपको बिल्कुल माइंड में हर चीज़ आपके बना रहेगा, अदरवाइज़ वो निकल जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, 11 बजे फिर मैं सो जाता हूँ, अप्रॉक्स 10:30-11 बजे मैं अपने आप ही सो जाता हूँ और मॉर्निंग में 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ बगैर किसी उसके और बगैर परिवार को डिस्टर्ब किए। अपना दिन में सोते हैं? दिन में नहीं प्रभु जी, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता प्रभु जी सोने का, दिन में कोई टाइम नहीं। देखिए यही, देखिए ऐसे लोग बोलते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारे हेल्थ ख़राब हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, ये हमारा मन का धारणा है। जिस प्रकार से जिसको भी जैसे प्यास लगता है ना, कहीं पर भी जाके पानी पीने की तरसता रहता है, है कि नहीं। जब हमारा अंदर भूख लगता है ना, जैसे हमको ट्रेन पकड़ना होता है सुबह 12 बजे की बार, दिन रात को 12 बजे, तो हमने क्या करते हैं, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो लोगों को धारणा ये रहता है कि चलो यार कृष्ण भक्ति तो क्या है, किसको दिखता नहीं है, इतना जल्दी फल नहीं मिलता है, चलो हम और किसी से कहते हैं कि नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं है प्रभु जी के, हम
हम देख सकते हैं इनके माध्यम से कि कितना इनका भगवान का नाम जप किए और इस्कॉन से जुड़े ऑनलाइन भागवत गीता क्लासेस को सुनकर कितना सारा हृदय परिवर्तन हुआ है और अच्छा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वैदिक धर्म को। हाँ, भगवान का तिलक लगाए हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। हाँ, तो प्रभु जी के बारे में एजुकेट के बारे में जानना चाहेंगे, प्रभु जी ने ऐसे क्या किए हैं अपना जीवन में? प्रभु जी, मैंने सबसे पहले तो मैंने अपना जो जीवन शुरू किया था गांव से ही रिलेटेड हूँ, गांव से मैंने अपना जीवन शुरू किया और मैंने जो एजुकेशन कर रखी है वो बीएससी कर रखा है प्रभु जी, ठीक है। और मार्केटिंग में मैं एज ए सेल्स मैनेजर वीवो में हूँ। कितना साल से कर रहे हैं? अप्रॉक्स वीवो में मेरे को 7 ईयर हो गया, बट 2006 से मैं सेल्स लाइन में ही हूँ प्रभु जी। ठीक है, तो इस तरह से मैं मार्केटिंग ही करता हूँ और शुरुआत मैंने मार्केटिंग से ही की है। तो थैंक यू सो मच, आज हमने कुछ इनके बारे में समझे और प्रभु जी का कहना उद्देश्य ये है कि आप लोग भी इस्कॉन में इस्कॉन के संपर्क में आकर वैदिक कल्चर को फॉलो करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे प्रभु जी आपने स्वास्थ्य की बात बताई, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता है जगने में, हमारा नींद पूरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इस्कॉन को फॉलो करके मैं जो महसूस किया है स्वास्थ्य को लेके, बहुत अच्छी है। क्योंकि पहले मैं क्या करता था प्रभु जी, इस्कॉन इज़ द मतलब प्योर चीज़ों को खाना हमें इस्कॉन में बताया गया, भगवान का भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाना। तो पहले मैं क्या करता, मार्केट में अनाप शनाप उल्टी सीधी चीज़ें खा लेता था प्रभु जी, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, शरीर तो हमारा ख़राब होता ही होता है, साथ में हमारा मनी इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ही होता था। दोस्ती पार्टी में बैठ गया, बहुत से लोगों के साथ बैठ गया, तो अनाप शनाप उल्टा सीधा खर्चा। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अगर आप इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, इस्कॉन के नियमों को फॉलो करते हैं, तो अपने आप में एक मतलब बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आप 16 माला का जप करते हैं तो आप किसी भी शक्ति से मतलब सामने किसी भी शक्ति से लड़ सकते हैं। अपने आप में एक पावर महसूस करता हूं मैं किसी भी शक्ति किसी भी पावर से लड़ सकता हूं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा प्रभु जी कि हमें भी हम सभी को भगवान के लिए टाइम निकलना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं फिर भी हमें अप्रॉक्स शुरुआत तो करनी चाहिए, 16 माले से नहीं तो 2 माला 4 माला से। जैसे मैंने शुरुआत 2 माला से ही करी, 2 माला करने में भी मेरे को मतलब एक बहुत महसूस होता था, बहुत टाइम लगता था, अरे 2 माला 2 माला से 4 4 से 8 8 से 16। फिर मैंने नियम बना लिया कि 16 माला करे बगैर मैं रहता ही। तो बहुत अच्छा विवरण बताएं, जैसे कि आचार्य लोग कहते हैं प्रभु तब पाद युगे मर निवेदन नाही मागे स्वर्ग आर, कि बताते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपसे कुछ आशा नहीं मांगता हूँ, ना धन मांगता हूँ, ना सुंदर मांगता हूँ, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदर, ना सुंदरी, कविता वाचम जगदीश काम है, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपका आहुति के प्रति। इसलिए भगवान को इस प्रकार से हमारा जो भाव से प्रभु जी भी कर रहे हैं और हम भगवान से श्री राधा वृंदावन चंद से प्रार्थना करेंगे कि इनका जो सफलता जो है इनको जरूर मिले और इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगे रहें और सभी को अच्छा एक कल्चर को फॉलो करें। और इनका यही मतलब कि जो इनका कामना है कि सारे लोग कृष्ण भक्त बने, शराब नशा से, ड्रग्स से, इस प्रकार से प्रभुत्व से बच्चे बचने की ही प्रार्थना कर रहे हैं सभी से। तो हम इनके साथ यहाँ पे विदाई लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।